हेलो हाय नमस्कार है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष के लॉ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? फटाफट से आ जाना है बिकॉज आई एम रेडी विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स टू गिव यू। मैं सारी की सारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो उसके साथ में आपके सामने हूँ। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है एंड माई नेम इज़ पूजा शर्मा। हो सकता है कि जैसे काफ़ी सारे बच्चों ने बाद में देखा एंड कहा कि अगर टाइम चेंज हो गया या क्या, सो अगर आपके फ्रेंड्स हैं या किसी को बताना है तो जस्ट टेल देम राइट नाउ कि ओके क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सो दे कैन जॉइन अस एज सून एज पॉसिबल। ओके चलिए फटाफट से आ जाना है सबको एंड येस यू हैव टू राइट इट आउट। सो आप अपने वेपन्स के साथ में आएंगे एंड दैट इज़ योर नोटबुक एंड पेन। ओके चलिए, हाय हेलो, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं ना आप लोग, एक बार हमको सोचना पड़ता है कि अदरवाइज नॉर्मल नेम होता तो डेफिनेटली मैं ले लेती। आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई आस्क्ड यू ऑल्सो, सो यू फर्स्टली टेल मी। चलिए सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी हेडलाइंस के साथ में। द हिंदू का जो पेपर एनालिसिस है हम उसको देखेंगे, क्या क्या अभी लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं वो सारा एक बार हेडलाइंस के थ्रू देन वी आर गोइंग टू डू। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ही फर्स्ट है जो बंद हुआ था, आपको पता है ना बंद किया गया था, क्यों किया गया था पता है, तो थोड़ा बहुत भी देखो ना, हल्का हल्का से तो न्यूज़ सुन के या आया करो। हेलो हाय गुड आफ्टरनून नमन। चलिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि थोड़ा बहुत न्यूज़ तो सुन के आया करो, ताकि क्या है कि एक बारी थोड़ा सा जब आपको लिंक पता होता है ना कि हाँ ये न्यूज़ में था, चाहे वो नहीं होती सुपर फास्ट हेडलाइंस बताते हैं या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड भी जब आपको पता होता है तो मैं जब आपको बताऊँगी ना तो आपको लगेगा कि चलो हम बिल्कुल ही अनअवेयर नहीं है, कुछ तो पता है। सो इट इज़ अ न्यूज़, ये न्यूज़ है बंद से रिलेटेड है। सो बंद हिट्स रोड्स रेल ट्रैफिक इन मेनी स्टेट्स। क्या हुआ है, किसने किया है, ये मैं सारा अभी आपको बता देती हूँ क्विकली, देन हम लोग राइट इट आउट करेंगे, ठीक है। सो एज यू ऑल नो जो फार्मर्स हैं, है ना, फार्मर्स ने, अच्छा MSP क्या होता है वो भी बताएं आप कमेंट्स में, जो जो चीज़ें पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोग पूछते हैं मैम आप क्वेश्चंस आफ्टर द पैराग्राफ जरूर से कराएं, बट इन बिटवीन भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स वाई आई आस्क यू क्वेश्चंस इन बिटवीन, स्टार्ट करने से पहले भी इसीलिए पूछ लेती हूँ। सो MSP के बारे में भी बताएं और ये बंद क्यों हुआ था उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो जस्ट डू कमेंट इट राइट नाउ। चलिए सो मैं बता रही हूँ तब तक कि जो फार्मर्स हैं, किसान, तो आपको पता है कि पिछले एक साल से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक साइड है, फार्मर्स एक साइड है, गवर्नमेंट ने कुछ बनाए हैं, अमेंडमेंट्स किए हैं, एक्ट्स बनाए हैं, तो फार्मर्स ने मना कर दिया है कि हम लोग इसके खिलाफ है, सो वी आर अगेंस्ट दैट, इसीलिए ये बंद, क्योंकि एक साल वन ईयर कंप्लीट हो गया है एंड दैट्स वाई ये बंद किया गया था। अभी देखो फार्मर्स जो है ना उन्होंने हाईवे रेलवे लाइंस और ये सारी जो है वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया था और एट लास्ट में पूरा दिन हो जाने के बाद में उन्होंने कहा ये सक्सेसफुल रहा, हमारी तरफ से ये बंद जो था वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पूरा बता देती हूँ, दैट SKM करके है। SKM क्या होता है? SKM इज संयुक्त किसान मोर्चा, SKM अभी लिखवाएंगे डेफिनेटली, डोंट वरी अबाउट दैट। तो संयुक्त किसान मोर्चा है वो ये सारी चीजें करता है। हुआ क्या है कि जो तीन ऐसे अमेंडमेंट्स आए हैं या रिफॉर्म्स जिसे कह सकते हैं, सो थ्री रिफॉर्म्स आर देयर, जो गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि ये एक्ट्स हैं, लेकिन इसे फार्मर्स कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो वो तीन कौन कौन से हैं, सो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ रिलेटेड टू फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स रिलेटेड एक्ट है, 2020 में ही लगा है, ये तीनों ही 2020 वाले ही हैं। देन सेकेंड जो है वो प्राइस अश्योरेंस को लेकर के है, ठीक है, एंड जो थर्ड है वो है एसेंशियल कमोडिटीज को लेके। सो ये तीन जो पॉइंट्स हैं अभी हम लिखेंगे डेफिनेटली, इनको समझ लो पहले, इसके ऊपर होनी थी बातचीत। सो अभी भी अगेंस्ट हैं फार्मर्स, बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग उसके ऊपर नहीं अभी करेंगे, हम ही नहीं भरेंगे बेसिकली। और सक्सेसफुल बता दिया है मैंने आपको कि उन्होंने कहा है कि सक्सेसफुल है एंड 25 ट्रेन्स अफेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे बताया भी गया है दैट जो नेशनल हाईवेज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों का क्या कहते हैं ना दुष्परिणाम वो दिखाई दिया था, ठीक है। सो फार्मर्स आर ऑन द स्ट्रीट फॉर 10 मंथ्स बट द ब्लाइंड एंड डेफ गवर्नमेंट, ऐसे करके ऑथर ने ये लिखा है यहाँ पे पूरा आर्टिकल। चलिए इसके बारे में हम फटाफट से लिख लेते हैं अब, दैट मैम हमने ये समझ लिया है कि ये किससे रिलेटेड था। चलिए
सो स्टार्टिंग विद दैट, हम सबसे पहले SKM के बारे में लिखेंगे। मुझे पता था, दैट्स व्हाई मैंने पैराग्राफ से पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर पता है तो पैराग्राफ के बाद के क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली पता हो जाएगा। आप मुझे बताओ MSP का फुल फॉर्म क्या होता है और SKM का भी बताओ, फटाफट से बताओ आप, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट SKM, ओके। फुल फॉर्म अभी मैं बाद में बताने वाली हूँ, यहाँ पे मैं 3 वो रिफॉर्म्स के बारे में लिख देती हूँ। 3 contentious agricultural, contentious agricultural reforms, थ्री contentious agricultural reform laws, ओके, reform laws करना है हमें यहाँ पे, सो यहीं लिख देते हैं। चलिए, what are they, कौन कौन से हैं ये। फर्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड फर्स्ट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। देन सेकेंड जो है, फर्स्ट हमने बात कर ली है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है, ये इसका पूरा हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज प्रमोशन एंड फैसिलेशन एक्ट 2020, प्रमोशन एंड फैसिलेशन एक्ट, प्रमोशन एंड फैसिलेशन एक्ट 2020। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, दैट वॉज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट, फार्मर्स एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट 2020 एंड फार्म सर्विसेस एक्ट। Farm Services Act 2020। चलिए, ओके, सो द फुल फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म जो है SKM की हम वो लिख लेते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा। हेलो, हाय, फटाफट से आ जाते, लेट आए हैं आप। SKM is संयुक्त किसान मोर्चा, ओके। एंड मैंने यहां पे 2 जो लॉज हैं वो लिख दिए हैं, जो रिफॉर्म लॉज हैं, दैट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन एक्ट 2020। सेकेंड इज फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, ओके। This is what I am talking about. देखिए,
एमएसपी में कुछ लॉज बनाए गए थे, उनके अकॉर्डिंग कुछ एक्ट ऐड कर दिए गए थे, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में ये यानी गवर्नमेंट और फार्मर्स जो हैं वो उसके ऊपर एक मत नहीं हो रहे हैं। सो इसी वजह से उनमें क्या आ रही है, डिस्क्रिपेंसी आ रही है, क्योंकि जो लॉ बनाने वाले हैं, जो ये एक्ट्स की जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली, वो पिछले एक साल से क्या चल रहा है, उसी पे मतभेद चल रहा है, ठीक है। ये तीन जो मेन है इसको अग्री नहीं कर रहे हैं फार्मर्स की, नहीं हम ये नहीं चाहते हैं। और वो चाहते क्या है कि हमको एक लीगल गारंटी दे दी जाए, हमको एमएसपी जो हमारी क्रॉप्स है उसके ऊपर जो एमएसपी लगेगा उसको लेकर लीगल गारंटी दे दी जाए। सो यही मेन पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ। जो थर्ड है इसका वो भी लिख लें आप, थर्ड वन इज एसेंशियल कमोडिटीज। Essential commodities Amendment Act 2020. Essential commodities अमेंडमेंट एक्ट 2020। सो थर्ड ये हो गया, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा था एमएसपी की फुल फॉर्म, एंड दैट इज उसकी फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में आ सकती है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं, हालांकि उसमें कहीं पे भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, जो आर्टिकल हमने देखा है उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं किया है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है, एंड दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके। एंड व्हाट द फार्मर्स वांट, उनकी क्या इच्छा है, उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटी दे दी जाए। सो वो पॉइंट जो है लास्ट वो भी हम लिख लेते हैं, एंड दैट पॉइंट इज फार्मर्स डिमांडेड ऑन लीगल गारंटी farmers demanded for legal guarantee on MSP of their crops on MSP for their crops so take a screenshot le lijiye iska maine aapko ye sara bata diya hai from the first thing okay आई होप दैट ये समझ में आ गया है कि क्या बात हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट, देखो आर्टिकल में यहाँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये जो हमने पढ़ा है मेन न्यूज़, इसमें सिर्फ ये बताया है कि कौन लीडर है। तो राकेश टिकैत जो है वो उनके लीडर है, उन्होंने सक्सेसफुल बोला है दिल्ली में, पिछले 10 महीने से ये सारा मार्च वगैरह चल रहा है लेकिन सुन नहीं रहे हैं, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक भारत बंद रहा, ये सारी चीज़ें लिखी है। बट ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, क्वेश्चन व्हाट विल द क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू दैट पार्ट, है ना। सो इससे रिलेटेड ये सारी मैंने आपको बात बता दी है, दैट SKM इज संयुक्त किसान मोर्चा, 3 कॉन्टेंशियस एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लॉज थे, एंड तीनों को आपको ध्यान से रखना है। फर्स्ट इज अबाउट प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, देन सेकंड इज अबाउट अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस, एंड थर्ड इज अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज। देन MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड देन फार्मर्स ने क्या डिमांड किया है फॉर लीगल गारंटी ऑन MSP फॉर देयर क्रॉप्स। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज, ओके ओके, क्लियर टू दैट। चलिए नेक्स्ट इज अबाउट जॉब्स अप टू 29% सिंस 2013 सेज सर्वे, है ना। एक सर्वे किया गया, एंड उस सर्वे में ये बताया गया दैट जॉब्स अप हुई हैं, दैट मींस इंक्रीज हुआ है उसके अंदर कितना, 29% का, ठीक है। सो ये सर्वे के अंदर क्या बताया है, ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड जो एम्प्लॉयमेंट सर्वे है उसमें ये रिपोर्ट बताई है दैट जो नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट है एम्प्लॉयमेंट में दैट इज 29%, उसका बेस जो ईयर है दैट इज 2013 एंड 14, और जो फिस्क
फिस्कल ईयर है दैट इज 2021, ठीक है। और उसमें ये बाद में जो आगे सारा बताया है, मैं ये डिटेलिंग आपको अभी लिखवा दूंगी कि किस सेक्टर में हाइप आया है, किस सेक्टर में अभी डिक्रीज चल रहा है, लो चल रहा है, वो सारी चीजें। 27% ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो सर्वे है उन्होंने बताया कि पैंडेमिक रिलेटेड रिट्रेचमेंट की वजह से ये कमी भी आई है। देन रिपोर्ट में हमें ये साफ ये यहाँ पे आपको देखना है, ये वाली चीज देखो, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है वो दैट इज 3.08 करोड़, ओवरऑल जो बता रहे हैं वो दैट इज 3.08 करोड़। ओके चलिए, हाउ MSP इंश्योर लीगल गारंटी, दैट्स वॉट द थिंग इज अबाउट ना, कि वो चाह रहे इसी पॉइंट पे बात करने का है कि हमें तो MSP के ऊपर लीगल गारंटी दे दी जाए, लेकिन इसी के ऊपर उन दोनों के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, दैट इज बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर्स। ओके क्लियर, हाँ जी चलो। सो 3.08 करोड़ जो है फर्स्ट क्वार्टर से, फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, एंड देन फ्रॉम 2.37 करोड़ जो कि 2013 का है, अभी जब सब लिखवाऊंगी आपको तो एकदम पॉइंट वाइज टकाटक ऐसे ऐसे से लर्न हो जाने वाला है। एंड देन वी अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे ऑल बट टू सेक्टर्स, दो सेक्टर्स हैं एंड दे आर ट्रेड एंड अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट्स। जो ट्रेड और अकोमोडेशन रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर इंक्रीज आया है एम्प्लॉयमेंट में ओवर दिस पीरियड, इस टाइम पीरियड में, ठीक है। यहाँ पे IT और BPO सेक्टर के बारे में भी बताया है कि सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में दिखा है, IT और BPO सेक्टर के अंदर दिखा है, अराउंड 152%। अब हम सोच रहे 52% कैसे, तो वही बेस ईयर में कितना था और अभी फिस्कल जो क्वार्टर हुआ है उसके अंदर कितना चेंजेस आया, दैट इज 152%। देन हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में 77% है, देन ट्रांसपोर्ट में 68% इंक्रीजमेंट हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 48%, कंस्ट्रक्शन में 42%, एजुकेशन 39% एंड मैन्युफैक्चरिंग में 22%। देन यहाँ पे फिर से एक बात हुई है कि इनमें एक किसकी वजह से, कोविड की वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन भी आया है। ट्रेड में डिक्लाइन कितना आया है, अबाउट 25%, बिकॉज इफ यू नो कि कोविड की वजह से सबसे पहले क्या रोक दिया गया था, ट्रेडिंग रोक दी गई थी, सो दैट्स व्हाई, दैट्स द रीजन 25% का डिक्लाइन आया है, एंड अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट्स में 13% का था। सो ये हमने पूरा इसके बारे में जान लिया, डाटा से रिलेटेड कुछ भी चीज है वो सारी हमें लर्न करनी जरूर है, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू राइट ऑल दीज थिंग्स। ओके चलिए, सो लिख लेते हैं हम जो मैंने न्यूज बताई है, इट इज अबाउट अप। देखो पहले तो हेडलाइन क्या है, अप आया जॉब्स में, यानी जॉब्स में इंक्रीजमेंट हुआ है कितना, 29% का, लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज देखते हैं तो वो सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, फ्रॉम दिस हमने कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सो फर्स्ट हम लिख लेंगे इसके अंदर सर्वे हुआ था और सर्वे किसने किया था, सो सर्वे वॉज डन बाय ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट, आई एम राइटिंग द शॉर्ट अब्रिविएशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ओके सो सर्वे वॉज डन बाय दिस, क्लियर चलिए। सो हमने देखा दैट सर्वे किसने कंडक्ट कराया हमें पता होना चाहिए, तो इट वॉज डन बाय ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट इज ऑफ रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं तो क्या है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स में पहले इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, 29% का फ्रॉम द बेस ईयर, बेस ईयर कौन सा बताया था, 2013 एंड 14, सो वही हम लोग लिखेंगे। रिपोर्ट में हमें क्या बताया है, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, है ना, सारे के सारे सेक्टर्स को कवर किया है। सो रिपोर्ट टोल्ड अस अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट, रिपोर्ट इज अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट numbers increased
by increased by 29%, increased by 29% from the base year. Base year कौन सा है ये याद रखना है, क्योंकि ये सर्वे का बेस ईयर का डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है. दैट व्हाट वाज द बेस ईयर ऑफ दिस सर्वे. सो बेस ईयर वाज 13-14. चलिए नेक्स्ट थिंग अबाउट, मैंने आपको बता दिया सर्वे का, आई टोल्ड यू अबाउट रिपोर्ट. लेकिन हालांकि हम इसमें इस बात को भी जोड़ सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर है इस फिस्कल ईयर का, दैट मीन्स 2021 का, उसमें 27% पैंडेमिक रिलेटेड क्या बताया है मैंने आपको, रिट्रेंचमेंट, मतलब कि कमी आई है. सो हम यहाँ पे ऐड करेंगे फर्स्ट क्वार्टर, क्योंकि ये सर्वे कब हुआ था, क्योंकि ये सर्वे पैंडेमिक का जब सेकंड वेव आ रहा था तब ये सर्वे हुआ, तब हमने ये देखा दैट 27% क्या हुआ है, रिट्रेंचमेंट हुआ है, दैट मींस कि डिक्लाइन हुआ है. सो सर्वे हुआ था और उसका टाइम पीरियड भी ये मैटर करता है कि सर्वे की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ऐसा क्यों चेंजेस देखा गया. एक तरफ तो कहा जा रहा है 29% जो है जॉब्स में इंक्रीजमेंट आया है, लेकिन एक तरफ आप बता रहे हैं 27% डिक्रीज भी है. सो इसकी वजह भी इस रिपोर्ट में क्लियर करी गई है. ओके, सो फर्स्ट क्वार्टर्स, दैट मीन्स दिस फिस्कल ईयर, एंड दैट दिस फिस्कल इज ऑफ अराउंड इन फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल टू जून 2021, अप्रैल टू जून 2021. ओके, एंड क्या बताया गया 27% का क्यों, ड्यू टू पेंडेमिक. ओके, डिक्रीज हुआ है 27% ड्यू टू पेंडेमिक रिलेटेड रिट्रेंचमेंट. ये एज इट इज चीज आ सकती है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली, रिट्रेंचमेंट. So this is all about survey conducted by whom, report में क्या आया है, and then this. Okay, फिर verbally मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ऐसा changes आया है, तो ये ध्यान रखना है, confuse नहीं होना है. अब बताया 29 का और decreasement भी बताया 27% का. ये report किसने release की है, so this report was released by this report was released by labor and empowerment This report was released by Labour and Empowerment Minister. और कौन है बताएं आप, अगर आप नाम जानते हैं उनका, कौन है मिनिस्टर, डू टेल मी इन कमेंट्स, कौन है मिनिस्टर लेबर एंड एम्पावरमेंट के, बताएं इफ यू नो. भूपेंद्र यादव. हु इज ही? ही इज भूपेंद्र यादव. सो हमने ये जान लिया अबाउट दिस. ठीक है, अभी ओवरऑल कितना हुआ है, एक 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 चीज़ को लिख लेते हैं हम, जो भी सारा डाटा हमने अभी देखा है उनको सेक्टर वाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं, एंड दैट इज इन फर्स्ट क्वार्टर, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, और वो भी फर्स्ट क्वार्टर की, फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज 3.08 करोड़. यही बताया मैंने आपको फर्स्ट क्वार्टर में कितना आया है, 3.08 करोड़. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज सिक्स्थ इकोनॉमिक सेंसिस वॉज 2013-14, क्योंकि हमने बेस ईयर वही लिया है ना.
सो बेस ईयर क्या था? 6th इकोनॉमिक सेंसस था. इससे कितना ज्यादा है ये? इससे 2.07, इससे 2.37 करोड़ अप है. ये कितना है? 2.37 करोड़ अप है. दो सेक्टर्स की बात बताई है इसके अंदर, दैट जो इस टाइम पीरियड में क्या हुए हैं, ओवर द टाइम पीरियड इंक्रीज हुए हैं, एंड दे आर ट्रेड एंड अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट. टू सेक्टर्स, टू सेक्टर्स, वट आर दे? ट्रेड एंड देन अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट. ओके, सो ट्रेड और अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट में कितना, मैंने क्या बताया, मैंने इनमें हाइक आया है. ठीक है, हाइक किस में आया है ये आपको पता लगाना है. मोस्ट इम्प्रूवमेंट किस में बताया है? एम्प्लॉयमेंट में. वो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम, दैट इज आई टी एंड बीपीओ सेक्टर. IT and BPO sector, okay, most impressive growth बताई गई है इसमें around 152%. So most impressive growth, most impressive growth, and that is 152%. Next is about health, and that is 77%. Then if we talk about transport, 68%. Transport 68%. Financial services, 48% है. ओके, देन ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपकी जो डाटा है उसी में से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है. कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कौन से सेक्टर में हुए, कौन से मोस्ट इंप्रेसिव ग्रोथ कौन से सेक्टर्स ने दिखाई है, हेल्थ में से कितना है, ये सारे के सारे आपके बहुत मैटर करने वाले हैं. सो बेटर है टू राइट इट आउट. आप बोलते बोलते लिखेंगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा. ओके, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, सो ऑन कंस्ट्रक्शन का कितना है? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इज 42%. सो 68, 48, 42. आफ्टर दैट एजुकेशन, दैट इज 38. सो 77, 68, 48, 42, 38. एंड लास्ट जो हमारा लास्ट सेक्टर है इसका, वो मैन्युफैक्चरिंग का है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, और उसमें सिर्फ 22%. This is all. Okay, so दो सेक्टर्स की हमने बात की है, ट्रेड और अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट्स में क्या हुआ है, इंक्रीज आया है, हाइक आया है इन दिस टाइम पीरियड. इस सर्वे के अकॉर्डिंग आईटी एंड बीपीओ सेक्टर्स हैं, उनमें मोस्ट इंप्रेसिव ग्रोथ देखिए, दैट इज 152%. एंड देन ये पूरा का पूरा आपको इजीली लर्न हो जाएगा अगर आप ऐसे जाएंगे दैट ये सेक्टर हेल्थ से स्टार्ट करेंगे, हेल्थ में कितना है 77, उसके बाद ट्रांसपोर्ट 68, 68, 48, 48, 42. तो इस तरीके से लर्न हो जाएगा 48, 42, 48,
42, 38, 38, 22, बस इस तरीके से। और ये सेक्टर्स तो आपको याद ही हो जाएंगे। ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है, सारा बात कर ली है अबाउट हमारा ये जॉब्स अप टू 29% सिंस 2013। सो ये ईयर जो है आपको ये याद रखना है, ये बेस ईयर है इसका, ठीक है। अभी डिक्लाइन भी आया है, वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। डिक्लाइन मैंने क्या बताया था, ट्रेड में आया, अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट में आया है। टोटल मतलब अगर हम बात करें तो इट इज़ अराउंड 38% डिक्लाइन इन दोनों में आया है। और क्यों आया है, क्योंकि सेकेंड वेव के कारण, ठीक है। सो एक लास्ट पॉइंट इसी में ऐड कर देते हैं हम, decline in which sectors, so I can say decline sectors that are trade, that is 25%, and accommodation and restaurants that is the percentage is 13%। So this is the news all about। Next news के बारे में बात करते हैं। Next news is right to government aid not fundamental right। देखो इसको समझना ही है बस, इसमें से questions ना direct क्या आ सकता है। Simply हुआ क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। That जैसे आपको पता होता है, यू नो इट वेरी वेल, कि काफ़ी सारे ऐसे, जैसे हम लोग अगर बात करें माइनॉरिटी के जो अपने पर्सनल स्कूल्स टाइप चलाते हैं, सो उनकी बात कही गई है बेसिकली यहाँ पे। सो यहाँ पे हुआ क्या था, दैट एक जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, संगठन है, उन्होंने कहा कि भाई आप गवर्नमेंट को हमें रुपए देने ही पड़ेंगे, ये हमारा हक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं है, राइट टू गवर्नमेंट एड इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के ऊपर है, दैट वो आपको एड्स देना चाहते हैं, कोई सहायता देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो यू कांट से दैट इट इज मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, इसमें ये बोला है जितना भी वो देते हैं, सो यू डोंट हैव टू चूज इट, है ना, आपको लेना है तो आप लो, नहीं तो आप अपने हिसाब से उस चीज को देखो। एड जो है वो आपके फंडामेंटल राइट में नहीं आएगा, ये पूरा इसके अंदर बताया। देखो मैटर ऑफ राइट नहीं है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इसके ऊपर बात करी गई है। एंड जजमेंट केम इन एन अपील, एक अपील लगी थी, डिसीजन ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट टू डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट। सो ये सारा हमने जान लिया अबाउट राइट टू गवर्नमेंट एड नॉट फंडामेंटल राइट। सो इफ यू वांट टू राइट दिस अबाउट, कुछ लिखना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट राइट, बाकी तो ये आपको ऐसे ही जस्ट, इट वॉज अ न्यूज, दैट्स वाई मैं आपको बता देती हूँ। सो नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एंड यस, ये भी सिर्फ बिकॉज इट वॉज इन हेडलाइंस, सो आपके लिए जरूरी है ये। देखिए क्या है, हालांकि ये नया कुछ नहीं है, बट इंडिया में होता है ना, इंडिया में हालांकि होता है तो क्या होता है, वो हाइप बन जाता है, बहुत ज़्यादा सुनने में आ जाता है कोई चीज़, ठीक है। सो केजरीवाल ने लॉन्च किया है टूरिज्म ऐप, और उसका नाम जो है वो ज़रूर से याद रखना, मैं नेक्स्ट पैनल पे लिख दूंगी, देखिए दैट इज देखो मेरी दिल्ली, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अभी तक दिल्ली ने ही ये सबसे पहले ऐसा किया है, नहीं, बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, काफ़ी सारे जगह है। अब ये ऐप आपको क्या हेल्प करता है, इफ़ यू आर न्यू इन दिल्ली, सो इसमें आपको पता चल जाएगा सारी चीजें, रूट कौन सा कौन है, तो आपको कोई ना बेवकूफ, नोबडी कैन फूल यू, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। टिकट्स बुक करा सकते हो आप इस ऐप में, यू कैन जस्ट टेक अ गाइड ऑफ दैट, कि भाई ये इसका पूरा गाइड है आपके पास में। जैसे पहले अगर आपको जमाने में याद हो तो वो गाइड बुक्स आती थी, इन दैट फॉर्म उसको हमने डिजिटलाइज कर दिया है। ओके, सो फूड का बता दिया आपको, अगर हिस्टोरिकल कोई चीज़ें देखनी है, सो एवरी थिंग इज देयर इन दिस ऐप, इट इट्स ऑल अबाउट। सो मैं नाम आपको नेक्स्ट पे बता देती हूँ। और अभी तक ऐसी बहुत सारे हो चुके हैं, सो हेरिटेज वॉक का मैंने आपको बता दिया है नो डाउटेडली, एंड इट इज़ देखो ये रात सेलेक्टेड फ्यू सिटीज़ हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज में आती है, उनमें से एक हमारा दिल्ली भी हो चुका है, दैट्स इट। सो इस टूरिज्म ऐप का नाम हम लिख लेते हैं, Delhi Tourism App, and that is Dekho Meri
दिल्ली, नॉट दिल्ली, दिल्ली. दिस इज द नेम. देखो मेरी दिल्ली, ये इसके अंदर बताया गया. ठीक है, ओके. वन मोर क्वेश्चन. यस, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर ऑल्सो. मैंने लास्ट से लास्ट क्लास में भी पूछा था आपको कि ये सबसे पहले एक तो कि ये अभी क्यों लॉन्च हुआ, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड टूरिज्म डे था. ठीक है, सो आपको बताना है वर्ल्ड टूरिज्म डे कब था और उसकी थीम. मैंने थीम पहले भी पूछी थी और आप लोग नहीं बता पाए थे, सो जस्ट टेल मी वर्ल्ड टूरिज्म डे कब था, थीम भी बतानी है. सो इट वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन. ओके, ऑन ओकेजन वर्ल्ड टूरिज्म डे. So quickly आपको बताना है that World Tourism Day कब था, फटाफट से बताओ. And theme, जल्दी जल्दी से. अरे इतनी तो तैयारियां अभी से करनी ही पड़ेगी. उस वक्त अगर आप सोच रहे हो कि बाद में करंट कर लेंगे ना, तो ये करंट से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज काफी दिनों से आ रही है. तो जब बार बार से रिपीटेडली इफ यू आर गोइंग टू मतलब रीड दैट थिंग, सो आपको अपने आप याद हो जाएगी. फिर आपके ऊपर इतना सारा बर्डन नहीं रहेगा व्हेन जब आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक होंगे, है ना. सोच रहे हो अगर कि ये सारा डेट्स एंड ऑल सारा करंट अफेयर्स हम लोग 10-15 दिन पहले कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा वो. क्लियर. चलिए थीम बता देती हूँ मैं आज आपको. दैट इज टूरिज्म फॉर टूरिज्म फॉर आया नहीं वेरी बैड. वेरी बैड, ऐसा नहीं. देखो चेंजेस हर जगह चेंजेस होते हैं, सो राइट नाउ हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ लीजिए. टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. इट वॉज द थ्री, यही थीम थी इसकी. और वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष में, ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये दिल्ली ने अपना ऐप लॉन्च किया. नेक्स्ट इज अबाउट यस. ये देखो, ये समझना आप, इसमें ना कोई आपके डाटा रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, बट ये बहुत बहुत सुनने में आती है ये चीज़ें, और आप लोगों ने भी देखा होगा. देखो हम ना बचपन में क्या करते थे. चलो आया, वेरी गुड हैप्पी सिंह, वेरी गुड. चलिए, सो आप वकील बन चुके हैं मेरी तरफ से. ये क्या न्यूज है वो समझनी है आपको. दैट स्टॉप इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स. देखो हम बचपन में क्या करते थे, वो क्राइम में ही आता था समझ लीजिए एक तरीके से. अब हमें ना जैसे व्हेन वी वर यंग, और हम लोगों को जैसे कॉलेज या स्कूल में ना आज क्लास अटेंड करने का मन नहीं है, सो इधर हम क्या करते थे, टीचर को डिस्टर्ब करते थे, या फिर हम ऐसा कुछ कर देते थे कि टीचर खुद ही बोल दे कि चलो बाहर जाओ, और हमें बाहर निकाल देते थे. ऐसा करा है सभी ने. उसी से रिलेटेड अगर आप रिलेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा. देयर आर सम इमिग्रेंट्स, है ना, फ्रॉम अदर कंट्रीज. व्हाई दे कम इन इंडिया, क्योंकि उनको अपना सर्वाइवल देखना है. सो वो खाने पानी या अपने जीवन यापन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनके लिए इंडिया में आते हैं. अब वो इंडिया में आ जाते हैं, देन क्या होता है दैट वो कुछ ऐसे पेटी क्राइम्स कर देते हैं. मतलब हम बोलते हैं ना, ऐसा तो कोई कर नहीं सकता है, ये क्या ऐसा अजीब सा कर दिया अपराध. सो उसी रिलेटेड पेटी क्राइम्स कर देते हैं. फिर क्या होता है, उनको एक दो साल की सज़ा हो जाती है, एक दो साल आराम से जेल में रह जाते हैं वो. फिर वो बाहर निकलते हैं, फिर ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन वो ये करते हैं. सो ये इसी से रिलेटेड बात बोली है जो मद्रास हाई कोर्ट है, उन्होंने डायरेक्ट किया है. देखो एक ऑर्डर करना अलग होता है, डायरेक्ट करना अलग होता है. सो मद्रास हाई कोर्ट ने यूनियन होम मिनिस्ट्री को ये डायरेक्ट किया है कि इससे रिलेटेड आप विद इन थ्री मंथ्स के अंदर कुछ अच्छा सा लॉ लेके आए, जिससे ये जो फॉरेनर्स हैं वी कैन से, और इमिग्रेंट्स हैं जो, वो इन सब पे रोक लगाई जा सके. यहाँ पे शॉकिंग रिवेलेशंस बताए गए हैं दैट बहुत सारे बेल्स रिलेटेड पिटीशन फाइल किए गए थे बाय श्रीलंका, नाइजीरियन, चाइनीज, ईरानियन, बांग्लादेशी नेशनल्स फॉर वेरियस क्रिमिनल क्राइम्स. ओके, और
ये भी बताया है कि 13,000 जो फॉरेनर्स है ना, मैं हिंदी ही बोल रही हूँ, ओके, 13,000 जो विदेशी लोग हैं वो स्टिल सिर्फ कौन कौन से एरिया में है, वो कौन कौन सी जगह पे है, चेन्नई में और कोयम्बटूर, मदुराई एंड तिरुचलम, तो इसी में ही, सिर्फ इतनी सी जगह में ही 13,000 जो क्या कहते हैं विदेशी है जो यहाँ आ गए हैं और सिर्फ वो कुछ छोटा मोटा क्राइम करके जेल की सज़ा ले लेते हैं और यहाँ इंडिया में रहने लग जाते हैं इस तरीके से। और काफ़ी सारा ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका वीज़ा जो है एक्सपायर हो चुका है ना, उसके बाद में भी वो स्टिल यहीं पर है। सो मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया यूनियन होम मिनिस्ट्री को और यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो ये बाकी की हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये बताया, उनको ये बोला दैट आप इसके ऊपर रिपोर्ट बनाएं और हमें सेंड किए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ लॉ बनाया जाए। सो अभी हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं। चलिए, आई होप दैट ये अभी अच्छे से समझ में आ गया है। सो मद्रास हाईकोर्ट ने किसे डायरेक्ट किया है, मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है, सो डायरेक्ट इज अ वर्ड हियर, डायरेक्टेड यूनियन गवर्नमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है उन्होंने कि आपको विद इन थ्री मंथ्स में एक फ्रेम बनाना है और उसके अंदर आपको लॉज बनाने। सो विद इन थ्री मंथ्स फ्रेम एप्रोप्रिएट लॉज, फ्रेम करने हैं आपको एप्रोप्रिएट लॉज कि ऐसा कुछ कानून बनाया जाए दैट जो ये इमिग्रेंट्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं और सिर्फ छोटे मोटे क्राइम करके सिर्फ यहीं पे बस जाना चाहते हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। ठीक है, अब ये करना क्यों है टू प्रिवेंट इलीगल इमिग्रेंट्स, to commit petty crimes. Okay, then next, अगर हम इसी का सारा मैं बता रही हूँ, ओके। और अच्छा, इसमें पता है क्या है, एक और बात, इवन काफ़ी सारे लोगों के पास में ना आधार कार्ड भी है, जस्ट ऐसे बता देती हूँ, पॉइंट लिखने आने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के पास में क्या है, आधार कार्ड भी है। दैट मीन्स वो आए तो बाहर से हैं और आधार कार्ड बन गया है, अभी वो आधार कार्ड जो है आपको पता है कितना बेनिफिशियल होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो उन लोगों के जो इमिग्रेंट्स हैं उनको आधार कार्ड भी बना दिया गया है उनका। नेक्स्ट इज डिटेल्स शेयर करने को बोली गई है, टू शेयर डिटेल्स, ओके, सो टू शेयर डिटेल्स किसको बोला है वो पूरा लिख लेते हैं हम, टू शेयर डिटेल्स कौन कौन करने वाला है, एंट्री ऑफ फॉरेनर्स, ओके, एंट्री शेयर किसकी करनी है, एंट्री कितनी हुई है किसकी, फॉरेनर्स की, ओके, एंट्री ऑफ फॉरेनर्स, मिस्टर धनपानी ने इन्हें ऑर्डर दिया है। देखो, मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया था, मिस्टर धनपानी ने ये ऑर्डर दिया है। अभी आप बिकॉज यू आर लॉ के लिए आगे बढ़ने वाले, तो आपको ये ना टर्म्स ध्यान में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले लास्ट क्लास में बताया कि आपको पक्के से पता होना चाहिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेड एंड सर्वे, है ना, उसी तरीके से डायरेक्ट करना और ऑर्डर देना में भी बहुत डिफरेंस है। सो ऑर्डर किसको दिया है, धनपानी ने, मिस्टर धनपानी ने ऑर्डर किया है फॉरेन मिस्टर धनपानी ने ऑर्डर किया है फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन आप ही लिख रही हूं मैं यहां पे, ऑफिसेस एंड
offices and immigrants and दूसरा है immigrants check post, immigrants की check post की जाए on land borders, on land borders. So this is all about this, okay? अच्छा next news शायद आपको बहुत funny लगे but मैं आपके लिए इसीलिए लाई हूँ so that आप थोड़े से अच्छे mood में हो जाए. कौन कौन रमी खेलता है ऑनलाइन रमी कौन कौन खेलता है आप में से जल्दी से मुझे बताएं कमेंट करके ऑनलाइन रमी कौन कौन खेलता है. So there is a news here about online rummy. है ना क्या हुआ है बेसिकली बता देती हूँ. केरला की जो हाई कोर्ट है ना उन्होंने सेट असाइड कर दिया है एक स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया था बैन ऑन ऑनलाइन रमी. ठीक है सो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया था बैन ऑन ऑनलाइन रमी और इसी पे जो केरला की जो हाई कोर्ट है उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा नहीं दिस कम्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ केरला गेमिंग एक्ट 1960 और इसी लिए एक पिटीशन फाइल की गई थी एंड उसी से जो ये डेवलप करते हैं ना गेम्स डेवलप करते हैं लोग तो वो जो गेम्स डेवलप करते हैं उन्होंने ये नोटिफाई कर दिया और इशू किया कि किसके बोलते ना कि उसके संदर्भ में. सो उसी तरीके से पिटिशनरी कंटेंटेड दैट द नोटिफिकेशन इशूड इन 1976 उन्होंने हैड एक्सटेंडेड रमी फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ एक्ट. सो ये आपके लिए थोड़ी फनी न्यूज़ हो सकती है डेफिनेटली बट बता दें आपको. चलो ऐसे नहीं बाद में कह दें. डन. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वर्ड्स एंड डीड्स. बहुत अच्छा आर्टिकल है एडिटोरियल का एक पार्ट है जो आपको बिल्कुल से पढ़ना ही है. एक बार मैं सारी चीजें आपको डेफिनेटली बता देती हूँ व्हाट इज ऑल अबाउट. देखो अभी यू नो इट वेरी वेल कि जो पीएम मोदी हैं वो कहाँ गए थे यूनियन वो यूएन वाला जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसको उन्होंने अटेंड किया था. वहां पर उन्होंने सबसे पहले तो फोर्थ टाइम स्पीच दी है. ओके आफ्टर 2014 उन्होंने फोर्थ टाइम स्पीच दी है और उस बीच में उन्होंने काफी सारी चीजें बोली और जो एक मेन चीज बोल दी ना उन्होंने जिसे अपोजिशन को भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. ठीक है सो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया और उन्होंने बताया कि भाई इंडिया जो है ना वर्ल्ड के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बहुत अच्छी लाइन्स बोली दैट इंडिया की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ना तो वर्ल्ड ग्रो कब करता है जब इंडिया ग्रो करता है. देन सेकेंड लाइन बोली थी उन्होंने कि इंडिया जो है ना वो रिफॉर्म करता है जब वर्ल्ड परफॉर्म करेगा. कब जब इंडिया रिफॉर्म करेगा तब ही वर्ल्ड परफॉर्म करेगा. तो बहुत अच्छी लाइन्स यहाँ पे उन्होंने बोली थी. देन उन्होंने सेक्टर्स बताया कि कौन कौन से सेक्टर्स में हमने बहुत ग्रो किया है और 2030 तक हम लोग 450 GW रिन्यूएबल एनर्जी कंडक्ट कर लेंगे. ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई. सो उन्होंने बताया इन द एरिया ऑफ वैक्सीन एंड फार्मास्यूटिकल्स जो है वहाँ पे हमने बहुत ग्रो किया है और इवन पर्टिकुलरली टू काउंटर कोविड के लिए भी बहुत हम लोगों ने सबने हेल्प किया है. कोई बात नहीं आप समझ लीजिए जो मैं बता रही हूँ ना मैं आपको जूम कर देती हूँ डेफिनेटली बट जो मैं बता रही हूँ वो सुनना ज़्यादा जरूरी है आपके लिए है ना. सो इसमें मैंने वही बताया है कि पीएम मोदी ने यूएन जो जनरल असेंबली है वहां पे फोर्थ टाइम एक तो स्पीच दी है और उन्होंने बहुत अच्छी दो बातें बोली कि वर्ल्ड कब परफॉर्म करता है जब इंडिया रिफॉर्म करता है एंड सेकंड थिंग वर्ल्ड कब ग्रो करेगा जब इंडिया ग्रो करेगा. देन मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से एरियाज में प्रोग्रेस हुआ है तो इन द एरिया ऑफ वैक्सीन एंड फार्मास्यूटिकल्स और उन्होंने साथ साथ में ये भी दावा किया है दैट 2030 तक 450 GW किसके रिन्यूएबल एनर्जी के हो जाएंगे. ठीक है देन
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो मेन यहाँ पे इन्होंने एक क्लेम कर दिया, पीएम मोदी ने ये क्लेम कर दिया दैट जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, ऑल इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ 7 साल में ही हुआ है। सो ये जो लाइन है ना पर्टिकुलरली वो थोड़ी सी क्या हो गई है, हेडलाइंस में आ गई है। देन पीएम मोदी ने यस पॉइंट आउट किया है अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान, हमने लास्टली भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो उसी के ऊपर एक एडिटोरियल है ये। एंड उसके बाद में इसके बाद में जो मेन पॉइंट है आपका ये वाला दैट रेस ऑफ एक्सपेंशन एंड एक्सक्लूजन, इसके ऊपर भी उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये भी बोला है कि टू स्पीड अप द रिफॉर्म प्रोसेस दैट हैज़ बीन फ्लैगिंग फॉर मोर देन अ डिकेड विच वुड इंक्लूड एन एक्सपेंडेड सिक्योरिटी काउंसिल। सो ये सारा का सारा हमने बात जान ली है अबाउट दिस, और वो कमला हैरिस से मिले थे, यू नो इट वेरी वेल, हमने वो भी न्यूज़ पढ़ ली थी। चलिए सो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आपको बार बार ही इससे गो थ्रू ना होना पड़े। चलिए वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड डीड्स। सो पहले तो UNGAP, इसका फुल फॉर्म लिखना बहुत ज़रूरी है, जस्ट नो द फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंसी, United Nations General Assembly Presidency. I hope that everyone is writing right now. It was established. Kab established hua tha? So it was established in 1945. क्योंकि हम बेसिकली इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन कौन है इसका, वो बहुत ज़रूरी है। यूएन जो है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन, एंड यू नो आपने सुना होगा 193 कंट्रीज है इसके अंदर एंड ऑल। सो 193 मेंबर्स है इस यूएन के जो रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली को। सो यूएन डस, यूएन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ ये हो गया यूएन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है इसका। नेक्स्ट 193 मेंबर्स हैं इसके, जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो लिख रही हूँ। 193 मेंबर्स याद रखना है आपको ये सारे पॉइंट्स, ये उसमें नहीं दिया है आपके, अगर ये आप उसको पढ़ेंगे ना वर्ड एंड डीड्स, तो उसमें यहाँ पे आपको नहीं दिया है, ठीक है। चलिए देन 193 मेंबर्स हमने लिख लिया है, ये मल्टीलेटरल डिस्कशन करता है, अभी हम सिर्फ UNGA की बात कर रहे हैं, मल्टीलेटरल डिस्कशन ऑन इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, इनका मेन मोटो क्या है, इनका मेन मोटो है पीस एंड सिक्योरिटी। भाई ये सब मिलके किसके लिए काम कर रहे हैं, सो मेन एम इनका है पीस एंड सिक्योरिटी, एंड नए नए मेंबर्स को इसमें ऐड करते रहना और बजट का जो मेंटेन करते हैं वो करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज हाँ याद रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ सकती हूँ, मैंने सारा पढ़ाया है तो ओके। मेन एम पीस एंड सिक्योरिटी और आई कैन से ऑब्जेक्टिव्स आदि, पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, एंड द थर्ड वन
पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स एंड थर्ड वन इज बजटरी मैटर्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. एक स्टैंडर्ड्स वाला पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए. व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स? सो स्टैंडर्ड्स आर सेटिंग एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सेटिंग एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. चलिए, सो ये तो हमने बात किसके बारे में जान ली है, ये तो हमने सिर्फ UNGA के बारे में बात जानी है. ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स पे बात की थी PM मोदी ने. ठीक है, चलिए. सो नेक्स्ट इज, फर्स्ट थिंग इज, आफ्टर आफ्टर 2014, this was the fourth speech and the points, fourth speech by PM Modi points were. पॉइंट्स कौन कौन से थे इनके? वैसे मैंने वर्बल बता दिया है, आई डोंट थिंक सो कि उसको याद रखने की ज़रूरत है आपको, है ना. वर्बल है, मैं वापस से आपको बता देती हूँ सारे पॉइंट्स कि इंडिया का प्लेस क्या है वर्ल्ड के अंदर, वो बताया उन्होंने. फिर वर्ल्ड ग्रो कब करता है? जब इंडिया ग्रो करती है. वर्ल्ड परफॉर्म कब करता है? जब इंडिया रिफॉर्म करती है. और हमने किस किस सेक्टर्स में अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, दैट इज़ रिलेटेड टू वैक्सीनेशन एंड फार्मास्यूटिकल्स, एंड देन हमारे आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उन सब के बारे में बता दिया है. ओके, यस, दिस इज अबाउट पीएम मोदी वर्ड्स एंड डीड्स. ओके ओके, क्लियर. और उन्होंने एक लाइन बोल दी थी, दैट इज ऑफ ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और जो 7 ईयर्स में ही हुआ है उसके बारे में. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज अबाउट हाई वाटर. ओके, व्हाट इज दिस न्यूज अबाउट? ये आर्टिकल, ये भी एडिटोरियल में से ही है और इसके काफी चांसेस हैं कि आपके इसमें से क्वेश्चंस आ जाएं. व्हाट इज दिस अबाउट हाई वाटर? तो देखो, साइक्लोन्स चल रहे हैं अभी, राइट. सो साइक्लोन्स से रिलेटेड ही यहाँ पे इसके बारे में बात कही गई है, दैट साइक्लोन जो आता है अभी बहुत सारे कंट्रीज में आता है, लेकिन इंडिया में ही इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा क्यों पड़ता है, ये रीजंस यहाँ पे जाने हैं और बताए हैं हमें ऑथर ने इस आर्टिकल के थ्रू. सो उन्होंने बताया कि जो कोस्टल रीजन है, सब जगह साइक्लोन आता है, लेकिन एक तो पहले से उनकी तैयारी होती है, और जो हमारे इंडिया में कोस्टल रीजन है ना, वहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है. सो वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं. 70 knots के अराउंड आया था गुलाब वाला साइक्लोन, वो मैंने आपको बता दिया. विंड स्पीड कितनी थी? 70 नॉट्स थी. और उन्होंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, तो जो वार्मिंग है, सो जो क्लाइमेटिक चेंज है, दैट इज 1.5 डिग्री वार्म हुआ है, और इस वजह से इतना साइक्लोन्स हमको देखने को मिला है. सेकंड चीज उन्होंने और बताई, वो बताया कि भाई यास भी आया था, ताऊकाते भी आया था. कंपैरिजन किया उन्होंने. सो कंपैरिजन में यास और ताऊकाते ने इतना नहीं जो इम्पैक्ट डाला, उतना गुलाब वाला जो है तो उसे कम था गुलाब वाला. ठीक है, ठीक है, चलिए. सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बताया मैंने आपको, 70 नॉट्स के बारे में यहाँ पे बता दिया. यास और ताऊकाते से इन्होंने कंपेयर करके बताया है कि भाई उससे तो कम ही था. और मेन चीज़ क्या है कि एक तरफ तो COVID-19, उसकी रिकवरी ही चल रही है अभी, और सेकेंडली ये साइक्लोन आ गया है, तो उससे और ज़्यादा लोगों की जिंदगियों पर दुष्परिणाम पड़ रहा है. इससे ज़्यादा हिंदी तो हम क्या ही बोलें अब आप, है ना. चलो, सो कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं हम इसके बारे में भी. मेन मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं.
कंपैरिजन ऑफ गुलाब. सबसे पहले तो दैट मीन्स ये किससे, यास और ताउकाते से तो कम ही था. सो दैट्स व्हाई मैं ये साइन बना रही हूं दैट इट वाज लेस देन यास एंड ताउकाते. सेकेंड थिंग, हैवी डैमेज हुआ है लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज. बेसिक बेसिक चीजें हैं, बस हम ना पढ़ लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा. और मैम आपने नहीं लिखवाया तो मैम आप नहीं लिखवा रहे हैं, हिंदी में लिखवा दो. नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आपका क्वेश्चन पेपर भी तो इंग्लिश में आएगा ना. मैं पूरा हिंदी में समझा सकती हूँ आपको, है ना. तो देखो मैं आपके लिए इतना चेंज कर सकती हूँ, आप मेरे लिए ये कर दीजिए कि आप इंग्लिश में तो लिखने का ट्राई करें. पॉइंट्स ही तो है, है ना. कुछ कुछ वर्ड्स तो हम वैसे भी इंग्लिश में ही जानते हैं. चलिए, कौन कौन से एरियाज में आया था वो लिख लेते हैं हम अभी. कोस्टल आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये पहले भी बताया था मैंने आपको. और उसके आसपास का जो इनलैंड है उसको कहा अदर एरियाज इनलैंड जो है. हाँ ठीक है, समझ जाते हैं एक बार में, क्या बात है. चलिए, विंड स्पीड बताई थी मैंने आपको, विंड स्पीड कितनी थी कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट कीजिए. विंड स्पीड वॉज 70 नॉट एट लैंडफॉल, है ना, ये जरूर से लिखना, एट लैंडफॉल. सो मैंने आपको मेन मेन सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी बताई है ऑथर ने, उन्होंने बताया कि भाई हम लोग वैसे तो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं कोविड 19 से, बट जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है ना, वो क्या है, नॉर्दर्न इंडियन ओशन जो है अरेबियन सी है और एक तरफ बे ऑफ बंगाल है. इस वजह से जो बहुत कम माइनॉरिटी ऑफ ट्रॉपिकल स्ट्रॉम्स यहाँ पे आते हैं, एक तरफ तो क्या है अरेबियन सी, एक तरफ है बे ऑफ बंगाल. सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे, मतलब कहाँ पे, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन. अच्छा ऐसा था क्या, चलिए. सो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, साइड में अरेबियन सी, इधर है क्या बे ऑफ बंगाल. सो इस वजह से जो बहुत कम ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स यहाँ पे आते हैं, सिर्फ 7% आए हैं, उसके बावजूद भी इसका इम्पैक्ट इतना ख़राब पड़ता है. सो उसका रीज़न भी हमें बताया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है. मैं अभी फटाफट से पॉइंट्स लिख दूंगी आपके लिए. डेंस पॉपुलेशन है, यहाँ की जो मिट्टी है वो रेनफॉल को इतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, अवशोषित नहीं कर पाती है, इस वजह से, ठीक है. चलिए, सो अभी फटाफट से पॉइंट्स लिख लेते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया इंडियन ओशन, सॉरी नॉर्दर्न इंडियन ओशन के बारे में, राइट. सो नॉर्दर्न इंडियन ओशन एक तरफ, अरेबियन सी एक तरफ, बे ऑफ बंगाल, सो उसकी वजह से लेस ही होता है, फिर भी इसकी वजह से लेस होता है, फिर भी उसके बाद भी माइनॉरिटी ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं यहाँ पे. एक्सपीरियंस माइनॉरिटी ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इफ इट इज कंसिडर्ड टू वर्ल्ड, कितना बताया मैंने, 7% ओनली. कितना बताया, ओनली 7%. देन व्हाट्स द रीजन, सिर्फ 7% ही है वर्ल्ड वाइड जितना होता है, तो क्यों इतना डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट क्यों है. सो उसका रीजन हम लिख लेते हैं, बट डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट
एंड डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट इज वाई बिकॉज ऑफ डेंस पॉपुलेशन एंड देन डेंस पॉपुलेशन बताया मैंने आपको एंड पुअर ऑब्जर्विटी पुअर कैपेसिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ऑब्जॉर्ब कर देते हैं वाटर इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल ऑल द थिंग आई हैव कवर्ड हियर. अभी तो उस आर्टिकल को ना भी देखोगे तो भी चलेगा. आईपीसीसी ने मैंने एक और पॉइंट बताया जो मैं लिख देती हूँ लास्टली यहाँ पे दैट आईपीसीसी मैं उसका फुल फॉर्म ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ एंड इफ यू नो तो आप बताएं जरूर से उसका कमेंट बॉक्स में दैट 1.5 डिग्री वार्मिंग हो रही है. चलिए देन नेक्स्ट इज ओके दिस इज मेजरिंग रीजनल डाइवर्सिटी. मैं आपको इसका फॉर्मूला वगैरह जो भी दिया है वो भी बता दूंगी मैं अभी आपको. देखो समझना पहले ये क्या चीज है देन हम इसके ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे फिर ना समझ में आए तो. सो मेजरिंग रीजनल डाइवर्सिटी होता क्या है बहुत अच्छे से समझना आप. येस इट इज ओनली 7% ऑफ द वर्ल्ड वाइड इवेंट्स ऑफ दिस साइक्लोन है ना. जितने भी साइक्लोन्स होते हैं उनका सिर्फ 7% होता है फिर भी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट होता है. चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है दैट इज इंपॉर्टेंट चलो देख लेते हैं हम लोग एंड दैट इज मेजरिंग रीजनल डाइवर्सिटीज. रीजनल जो डाइवर्सिटीज हैं उसको मेजर करना कैसे क्या वो सब बात करते हैं हम. देखो क्या होता है एक यूनिवर्सिटी है उसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि एक रैंकिंग ऑर्डर हो उसका कि जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो कौन से रैंक पे आते हैं. तो इस लिए जो NIRF है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क वो बहुत मेहनत करके क्या करते हैं रैंकिंग ऑर्डर्स निकालते हैं. बट ऑथर यहां पे बता रहे हैं ऑथर कह रहे हैं कि ये रैंक ऑर्डर्स वगैरह निकल रहे हैं काफी सही है बट सब यहां पे मिसलीड कर रहे हैं. कैसे मिसलीड कर रहे हैं. देखो भाई आपने बोला कि एक यूनिवर्सिटी है उसमें आपके यहाँ के तो लोकल स्टूडेंट्स हैं ही साथ ही साथ में जो अदर स्टेट के और अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपने कोटा दिया हुआ है. जैसे कि अदर कंट्रीज़ के हैं तो उनके अराउंड 7% है येस एंड बाकी जो अदर स्टेट्स के हैं उनके भी इतने ही अराउंड दिया हुआ है 28% आई थिंक उतना उन्होंने दिया हुआ है. सो अब बात करा उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई एग्जाम्पल है जैसे कि दिल्ली में कोई एक इंस्टीट्यूट है ठीक है 100 में से वहाँ पे उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 100 में से 99 जो भी आपका कोटा उसमें से 99 सिर्फ यूपी के हैं तो आप इसे रीजनल डाइवर्सिटी नहीं कह सकते हो. रीजनल डाइवर्सिटी अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ये मिसलीड करने की बात हो गई है. व्हाई बिकॉज वो सारे के सारे एक ही स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और रीजनल डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लोगों का वहाँ पर डाइवर्सिटी होना ठीक है. अभी दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे दो कंपैरिजन के हैं एक तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का दिया और एक SUI का एग्जाम्पल दिया. तो उन्होंने कहा कि अब अगर हम इन दोनों में भी कंपेयर करें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो दोनों ही अलग अलग है. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो बात की है वो समझते हैं कैसे है. एक फॉर्मूला दिया इन्होंने एक फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला हम लिखेंगे. उसमें बात की कि अगर एक ही स्टेट से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये हमें पता चलता है ये होता है हॉरिजॉन्टल ठीक है. एक वर्टिकल का मतलब क्या है कि भाई कितने दूर दराज के है ना विलेजेस से कितने लोग आ रहे हैं. विलेजेस में भी विलेजेस के अंदर भी टायर 1 टायर 2 टायर 3 के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ से भी कितने लोग आ रहे हैं. तो ये हर एक चीज़ की डिटेलिंग अगर हम जानते हैं तभी हमें पता चलता है कि रीजनल डाइवर्सिटी है. सो हमें नया फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना चाहिए. ये जो अभी तक चल रहा है वो मिसलीड कर रहा है और एक्चुअल में ये रीजनल डाइवर्सिटी नहीं है. चलिए सो मैंने आपको ये पूरा बता दिया इसमें जो लिखा है उन्होंने एंड इसके पॉइंट्स हम लिख लेते हैं फटाफट से. NIRF फर्स्ट ऑफ ऑल तो
NIRF, that is the National Institute Ranking Framework. The National Institute of Ranking Framework. Quickly just write it. बहुत काम आने वाला है ये. ये एक मेथोडोलॉजी पे काम करता है. किस पे काम करता है? ये एक मेथोडोलॉजी पे काम करता है और वो अडॉप्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से. चले लिखेंगे उनकी मेथोडोलॉजी क्या है. मेथोडोलॉजी है अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ education. Then to rank higher education institutions in India. To rank higher education institutes in India. नेक्स्ट, सिक्स्थ एडिशन में बताया था अबाउट फाइव पैरामीटर्स. किसके बारे में बताया था? रैंकिंग किसके बेस पे होती है? फाइव पैरामीटर्स होती है. रैंकिंग ऑन बेसिस ऑफ फाइव पैरामीटर्स. अब उन फाइव पैरामीटर्स में भी एक क्या होता है? उन फाइव पैरामीटर्स के भी फाइव सब पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? और उन फाइव सब पैरामीटर्स में से एक है और वो कौन सा है? दैट इज रीजनल डाइवर्सिटी. उन फाइव सब पैरामीटर्स में से एक जो है वो कौन सा है? रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में है. ओके, सो मैंने आपको जो बताया है, क्या बताया है? दैट ये बहुत सारे फाइव पैरामीटर्स है. फाइव पैरामीटर्स के भी वन टू फाइव, कितने? वन टू फाइव सब पैरामीटर्स हैं. उनमें से एक है रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है? अभी हम इस रीजनल डाइवर्सिटी को क्या नाम दिया गया है? दैट इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी. दैट इज आउटरीच एंड inclusivity. Formula लिख लेते हैं हम इस RD का. RD means regional diversity. Okay, so formula of RD is 25 into fractions of total students enrolled in that institution. पहले तो ये हो गया. So पहला क्या है? 25 into टोटल स्टूडेंट्स फ्रैक्शन ऑफ. फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड. डायरेक्ट ना आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है. आपको एक पैसेज दे दें और उसके अंदर आपसे पूछ ले व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ आरडी टू गेट आरडी, है ना? तो ये फॉर्मूला है, ठीक है? एनरोल्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स एनरोल्ड फ्रॉम अदर स्टेट्स प्लस फाइव, राइटिंग हियर, प्लस फाइव इनटू फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स enrolled fraction of students enrolled from other countries. मैंने बताया आपको, देखो अदर स्टेट से कितने? 25% और अदर कंट्री से enrolled from other country is 5%.
दिस इज द फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला है. टू क्वेश्चंस याद रखना इसके. हाँ, एक है उसमें से पांच पैरामीटर्स हैं, पांच पैरामीटर्स में से पांच में भी एक से पांच लेके सबके सब पैरामीटर्स है, उसमें से एक है रीजनल डाइवर्सिटी. लास्टली जो इसके बारे में है, टू क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने एंड दे आर about horizontal diversity and the second one is about vertical diversity. So this is all. आज हमने इतनी सारी बातें देख ली हैं. नेक्स्ट वन थिंग विच आई वॉन्ट रियली कि आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आए तो उसकी तैयारी के साथ आए, एंड दैट इज अबाउट रिवाइटलाइजिंग पीएम कुसुम. कुसुम जो करके पीएम ने एक नया लॉन्च किया है, उससे रिलेटेड आपको पूरी स्कीम को पूरा जान के आना है कि क्या स्कीम है, क्या करना होता है, क्या क्या इसके भी पैरामीटर्स हैं, कौन से बैरियर्स हैं इसमें. सो ये आपको जरूर से, बिकॉज वन डे, एक दिन में आपको ये पीएम कुसुम जरूर से, बिकॉज ये अभी हाईलाइट में है और डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा आपके, एंड विच वी विल डिस्कस इट लेटर. देन जनरल जनरल जो चीजें हैं मैं बता देती हूँ. डीआरडीओ ने आकाश प्राइम मिसाइल जो है, डीआरडीओ फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली पता होगा, एंड दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सिर्फ पता क्या लगा रखना है आपको, दैट डीआरडीओ ने एक नया, देखो आकाश ऑलरेडी था, अभी इसका नाम आकाश प्राइम कर दिया. दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये यहां पे है, दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल, बस दैट्स इट. इसका यहां